मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होगा। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब। बहुत हुआ यार, अब 2023 को अपना साल बनाना है। पिछले साल पूरा साल खराब करा था, और वो जो सपना देखा था ना मेरे पेरेंट्स ने, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया था। बट अब और नहीं, इस साल को अपना साल बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। जितनी मेहनत लगानी पड़ेगी लगेंगे, करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, बट ये जो एग्जाम है ना, इसको 2 महीने के अंदर क्रैक करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। यार घर वालों ने बहुत पैसे खर्च करे हैं, अब सबको भूलना पड़ेगा और अपना बेस्ट देना पड़ेगा मुझे। उसके लिए सबसे पहले एक टाइम टेबल बना, एक ऐसा टाइम टेबल जिसको कि मुझे हर रोज फॉलो करना है। ये बिल्कुल सही है, 6 घंटे की डेली पढ़ाई, सिलेबस 10 फरवरी से पहले कंप्लीट कर लूंगा, कंसिस्टेंट रहना है हर रोज, और गेमिंग सोशल मीडिया नहीं करनी और किसी भी दोस्त से बात नहीं करनी। बस 1 महीने की बात है यार, कर लेते हैं मेहनत और दिखा देते हैं सबको, करते हैं इसको हर रोज फॉलो अप से। चेक कर लेता हूँ यार, यही आंसर होना चाहिए, इस बार तो आंसर सही होगा। ये आंसर भी गलत यार, सारी की सारी थ्योरी पढ़ ली है बट समझ नहीं आ रहा गलती कहां पर कर रहा हूं। क्वेश्चंस के सारे आंसर गलत आ रहे हैं, कैसे बोलूंगा, कैसे खत्म करूंगा सिलेबस। रुक नहीं सकता, वो टाइम टेबल बनाया है, उसके हिसाब से 6 घंटे आज पढ़ना ही पड़ेगा, अभी हार नहीं सकता। वापिस से ट्राई करूंगा। चलो आज तो पूरे 6 घंटे पढ़ाई हो गई, लगता है आज तो सारा का सारा टाइम टेबल फॉलो हो ही गया होगा। कितने चैप्टर हो गए मेरे, ये आज सुबह 1 कर लिया था, 1 शाम को कर लिया, 3 और 4 ये आज रह गए, तो मतलब आज चैप्टर 3 भी नहीं हुआ, चैप्टर 4 भी नहीं हुआ। यार पूरा 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया, उसमें भी रह गया, कल भी यही हुआ था यार। चलो क्या कर सकते हैं, कल देखेंगे आज। यार ये ट्रिग्नोमेट्री ना परेशान कर रखा है इसने, क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो पाते इसके क्वेश्चन, क्या करूं यार। यूट्यूब पे लेक्चर भी देख लिए फिर भी नहीं हो रहे हैं तो सॉल्व। रोहित को फोन मिलाता हूँ, रोहित के हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं, पता नहीं मैथ में कैसे, उसको फोन मिलाता हूँ। हाँ रोहित भाई यार एक मदद चाहिए थी। हाँ, अरे नहीं यार, वो मैं पूछ रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये कैसे करनी है, मतलब आपके तो हमेशा यार फुल मार्क्स आते हैं मैथ में, समझ नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो। अरे अभी काम पढ़ना स्टार्ट किया, अभी तो यार बहुत टाइम पड़ा है। अच्छा अभी स्टार्ट ही नहीं करा। नहीं यार बहुत टाइम, मतलब तेरे को पता है ना एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ता। नहीं नहीं यार वो आप भी कर सकते हो, एक दिन में हमारे बस की कहाँ है, मतलब तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अरे अभी तो चल ऐसा गेम खेलते हैं यार। नहीं गेमिंग नहीं अभी तो नहीं कर पाऊंगा, अभी ना पढ़ रहा हूँ तो गेम तो नहीं। ठीक क्या करूं, गेम खेलूं या ना खेलूं, रोहित भी तो कह रहा था कि उसने भी अभी कुछ नहीं पढ़ा, चलो फिर तो खेल ही लेता हूं, बस 5 मिनट खेलूंगा उसके बाद पूरी पढ़ाई करूंगा। राइट से चल। हाँ अरे यार क्या कर रहा है यार, उनसे खेलना है यार। चल बिल्कुल। हाँ यार क्या बात है, बहुत बढ़िया, जीतेंगे। चलो आगे खेलो चलो। अरे यार अभी तो 4 बजे हैं, 5 मिनट और सो लेता हूँ और उसके बाद उठूंगा एंड देन पढ़ूंगा। ठीक है चलो अभी 5 मिनट और सो जाता हूँ बस।
11 बज गए अब कैसे हो पाएगा? 4 बजे उठना था और आज तो पूरा सिलेबस भी खत्म करना था, अब कैसे हो पाएगा यार? बज गए, ट्यूशन का टाइम, अब ट्यूशन जाओ। क्या यार, चलो बैग में रख लेते हैं बुक्स वगैरह और फिर ट्यूशन जाते हैं। परेशान हो, डर लग रहा है कि भैया इतने कम टाइम में कैसे सिलेबस हो पाएगा? ये साल क्या मोटिवेशनल वीडियो चला रही है? डर लग रहा है कि इतने कम। एक तो यार मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स का समझ नहीं आता, तू मेरे मित्र, इनको ना ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ आसान है तो सबकी लाइफ आसान होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। इनको क्या पता हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं? ये तो बस बोल देते हैं पढ़ो, मेहनत करो, उठो सुबह 4 बजे। अरे भाई मैं उठने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता है क्या हालत होती है, यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, घर वाले अलग प्रेशर डाल रहे हैं, स्कूल के टीचर अलग बोल रहे हैं कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स को कंप्लेन कर देंगे, ट्यूशन में अलग चल रहा है, कुछ सही जा कर रहा है। ऐसा नहीं है मैं पढ़ना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, बट चीजें हो ही नहीं पा रही हैं। जब 1 जनवरी था ना तो सोचा था कि इस साल को सबसे प्रोडक्टिव बनाना है, पूरा टाइम टेबल बनाया था, सब कुछ लिखा था, बट आज वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। 1 महीने के अंदर मैं हार चुका हूँ, बट इनको इनको क्या है, इनको तो ऐसा लगता है सबकी लाइफ आसान है, पढ़ो उठो। अरे नहीं हो पाता हमसे यार, नहीं हो पाता हमसे। हाँ अब ऐसा लग रहा होगा ना कि तुम्हारी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दुविधाएं हैं, बट रियलिटी में तुम्हें बताऊं, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम केवल और केवल तुम हो, और उन सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन भी केवल और केवल तुम हो। हाँ भाई क्या हुआ, शॉक हो गए? ये लग रहा है कि भैया ये क्या बोल दिया कि हमारी प्रॉब्लम्स भी हमें और उनके सलूशन भी हमें, ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ ये रियलिटी है, और ये केवल इस स्टूडेंट की रियलिटी नहीं है, ये तुम सबकी रियलिटी है। हाँ तुम जो आज ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम सबकी केवल और केवल ये रियलिटी है कि तुम्हारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जो अभी तुमने देखी या फिर इससे भी बड़ी बड़ी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होंगी, जैसे कि हेल्थ इश्यूज, बीमार रहते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स केवल और केवल तुम्हारी वजह से आती हैं, और उन सभी का सलूशन भी तुम। अभी भी समझ नहीं आया, एक स्टोरी से समझाता हूँ। ये स्टोरी है मेरी खुद की, बहुत बार ये स्टोरी अपने स्टूडेंट्स को सुना भी चुका हूँ, फिर से सुनाऊंगा। देखो जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, एक एग्जाम होता है इंडिया का, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम IIT JEE का, जब मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था तो ना मेरी क्लास के अंदर एक टॉपर स्टूडेंट था जो हमेशा रैंक 1 लाता था। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये क्या अलग पढ़ता है जिससे कि इसकी रैंक 1 आती है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उसके साइड में जाके बैठ गया, और मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि हमारी किसी सब्जेक्ट की क्लास चल रही थी और उसका जो होमवर्क था, जो कि होमवर्क मिलता है, वो करके नहीं आया था। मैंने उससे ये बोला कि यार देख सुन, ये जो अपने सर हैं ये अच्छा नहीं पढ़ाते ना। वो बोलता है क्यों? क्योंकि यार तेरा होमवर्क नहीं हो पाया, ऐसे कैसे हो गया, मतलब फिर तो सर अच्छा पढ़ाते ही नहीं होंगे, तभी तो तेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो वो कहता है नहीं नहीं सर की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। ध्यान से समझना उसने क्या बोला और ध्यान से सुनना, गलती मेरी है। मैंने पूछा तेरी गलती कैसे? तो उसने मुझे बताया कि कल क्या हुआ ना, मैंने एक टाइम टेबल बनाया था और वो जो टाइम टेबल था वो मुझसे फॉलो नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं मैं बाहर चला गया था खेलने के लिए दोस्तों के साथ, या फिर कुछ उसने अपने इश्यूज बताए जिस वजह से मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया। तो पहले मैं शॉक में चला गया कि यार टॉपर का भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, ऐसा भी होता है क्या? मुझे लगता था मेरे साथ ही होता है। फिर उसके बाद जो उसने आगे की कुछ लाइनें बोली ना, उसने मेरी लाइफ, उसने आगे ये बोला कि कल मैं अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया, इस वजह से मेरा 1 घंटा खराब हो गया, और उस 1 घंटे को मैं आज ज्यादा पढ़ के बराबर कर लूंगा। मतलब वो आज 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेगा, क्यों? क्योंकि कल वो नहीं पढ़ पाया। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? देखो यार प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, उस दिन मुझे समझ आया, चाहे तुम एवरेज हो, चाहे तुम टॉपर हो, चाहे तुमने कुछ नहीं पढ़ा, चाहे तुमने सब पढ़ा है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन पता है कहां होता है? प्रॉब्लम को देखने का नजरिया पता है कहां बदलता है? वो होता है एक एवरेज और एक टॉपर बच्चे के बीच में। एक एवरेज बच्चा सोच रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, और वो दूसरों पे ब्लेम लगाएगा। कैसे? वो दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट करेगा कि यार ये ना कोचिंग में अच्छा नहीं पढ़ाते, यार ये ट्यूशन में बेकार पढ़ाते हैं, यार ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता, यार मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता, क्यों? क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, यार मेरा तो टाइम टेबल ही फॉलो नहीं होता, यार मैं थोड़ी बहुत गेमिंग करता हूँ उसमें भी घर वालों को दिक्कत है, घर वाले मुझे पढ़ने की स्पेस नहीं देते, उस वजह से मैं नहीं पढ़ पाता। जबकि वो जो टॉपर बच्चा है ना, वो एक्सक्यूज नहीं देता, वो प्रॉब्लम को मानता है, वो बोलता है कि ठीक है मेरी प्रॉब्लम है, और अगर मेरी प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी मैं ही निकालूंगा,
तो उसने क्या करा, उसने बोला कि मेरी गलती है, मेरी गलती है, और इसका सलूशन उसने निकाला कि कल मैं एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। अरे तुम्हें कहां समझ आएगा, क्योंकि तुम तो सुबह उठते हो और फिर बोलते हो कि और आज भी अलार्म नहीं बजाओ, या फिर आज भी मैं सुबह नहीं उठ पाया। उसके बाद थोड़ी देर पढ़ते हो, थक जाते हो, और उसके बाद थोड़ी देर बाद और वापस से पढ़ने की कोशिश करते हो, बट खाना वाना खा के फिर सो जाते हो। नींद आती है भैया, ठंड का मौसम है, उसमें नींद लेना भी जरूरी है। फिर भैया दोस्तों के साथ एक घंटा गेमिंग करना भी तो जरूरी है, और बाद में जब एग्जाम में नंबर नहीं आते तो ब्लेम करते हैं। घर वाले पूछते हैं बेटा नंबर क्यों नहीं है, बोलेंगे वो ना टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, कोचिंग वालों ने अच्छा नहीं पढ़ाया, वो दोस्तों की वजह से खराब है ना, बहाने मारे। पर कभी ये नहीं बोलेंगे कि गलती मेरी थी, इस गलती को सुधारना भी मुझे। और जब ये सब कर करके एग्जाम बिल्कुल खराब हो जाता है, फिर एग्जाम बहुत पास आ जाता है और आपने कुछ नहीं पढ़ा होता, तो क्या करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो मोटिवेशन वीडियोस, और उसमें आती है आपके प्रशांत भैया की वीडियो। अब देखेंगे प्रशांत भैया की वीडियो में मोटिवेशन कुछ तो समझाया होगा, क्लिक कर लेंगे, फिर देखेंगे मोटिवेशन प्रशांत भैया। देख अगर तू मेरी वीडियोस केवल मोटिवेशन के लिए देख रहा है तो देखना बंद कर। क्या कह रहे हो भैया? हाँ, मैं अपनी वीडियोस के अंदर स्ट्रैटेजीज, टिप्स और गाइडेंस देता हूँ। हाँ, अगर तू उनके लिए देख रहा है तो वीडियो जरूर देख, बट अगर तू केवल और केवल वीडियो मोटिवेशन के लिए दे रहा है, मोटिवेशन के लिए बार बार देखे जा रहा है, दिन में चार चार बार देखे जा रहा है, अच्छा एक वीक में, दो वीक में देखना अच्छा लगता है, ठीक है, इतना मोटिवेशन हमें चाहिए होता है क्योंकि हम बहुत बार डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। बट अगर तू रोज सुबह उठ रहा है और रोज देख रहा है कि अच्छा 3 मिनट में आपकी लाइफ बदल जाएगी, उस पर क्लिक कर देते है ना, कर देते हैं, मैंने भी बहुत देखी है यूट्यूब के ऊपर, 5 मिनट के अंदर एग्जाम में फुल नंबर लाए, वो सब आप नहीं देख पाए, उन पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद देखना स्टार्ट कर, यार क्या मिलेगा उससे? तेरे को बाहर की मोटिवेशन चाहिए क्यों है? मुझे तो ये बता, एग्जाम नजदीक है, नंबर लाने हैं, सबको प्रूव करना है, पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया है, सारे रीजंस तेरे हाथ में है, फिर भी नहीं भैया हमें तो मोटिवेशन चाहिए। भैया यार एक मोटिवेशनल वीडियो डाल दो। क्यों क्यों डाल दूं मैं? तेरी प्रॉब्लम है ना, तेरे को सलूशन निकालना है ना। देख जितनी भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो तेरी लाइफ की है, और जब तू इनका सलूशन निकाल लेगा, जब एग्जाम क्रैक कर लेगा, तो नाम भी तेरा होगा, मेरा नहीं होगा। तो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को मान और उनके सलूशन निकाल। मोटिवेशनल वीडियो कभी कभार देखना अच्छा लगता है, बट हर रोज तुम देखे जा रहे हो, क्या मिल रहा है यार, क्या मिल रहा है? कोई आकर तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगा, कोई आकर तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगा, इस बात को याद रखना। कोई आपको सिर्फ गाइड और आपको एक रास्ता दिखा सकता है, बट लाइफ आपको बदलनी है। स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होते हैं तो क्या करें? अरे मूर्ख, अपने घर में नहीं देखा तूने कभी, तेरे पेरेंट्स रात को बहुत लेट तक आ रहे हैं काम करके, क्यों? क्योंकि तेरे ट्यूशन की फीस भरनी है, तेरी कोचिंग की फीस भरनी है, तेरी स्कूल की फीस भरनी है, तेरी किताबें खरीदनी है, तेरी स्कूल ड्रेस खरीदनी है। नहीं दिख रहा, पूछना एक बार, कुछ साल बाद जब खुद पैसे कमाने लगोगे तो पता चलेगा कैसे कमाए जाते हैं। बट नहीं, हमें तो एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, पढ़ने के लिए ढूंढना कि हम पढ़े क्यों, क्यों पढ़े। अरे भाई अपने घर वालों से पूछ ले क्यों पढ़ेंगे, वो समझा देंगे तेरे को पढ़ना क्यों जरूरी है। नहीं भैया हमें तो यार यूट्यूब से जाना, ढूंढ ले भाई, अपनी लाइफ खराब करेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, अपनी लाइफ खराब करेगा। और फिर भी यहां से भी अगर मोटिवेशन नहीं मिल रही ना, तो याद कर एक इमेजिनेशन दुनिया के अंदर चलते हैं, है ना, आईज क्लोज कर और मेरी बात ध्यान से समझ, अपनी आंखें बंद करो सब और मेरी बात समझो। याद करो आज से 5 से 6 साल पहले जब तुम 12-13 साल के थे, याद करो वो दिन। उस समय पर तुमसे तुम्हारे घर वाले पूछा करते थे, माता पिता आपकी पूछा करते थे कि क्या बनेगा या क्या बनेगी, तो आप क्या बताते थे? मतलब सबके अपने अपने एम होते हैं, IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, फिर जो भी आपकी फील्ड जो आपने चूज करा था। याद है ना वो दिन जब आपने सपने देखे थे, जब आपके ड्रीम्स थे, और उस समय पर आपको एक अंदर से फील था कि यार अपन को कुछ बड़ा करना है, अपना भी नाम होगा, आया नहीं था। आपके पेरेंट्स की भी एक उम्मीद थी कि हाँ यार कुछ तो करेगा बच्चा, है ना, कुछ तो करेगा। बट आज क्या कर रहे हो तुम, कर कह रहे हो तुम? देखो ना एक बार झांक कर देखो, समझ मेरी बात। इमेजिन कर अगर मैं वो तेरे यंगर सेल्फ को, जब तू 12-13 साल का था या थी, उसको तेरे सामने आज लाकर खड़ा कर दूं, उसको तेरे सामने आज यहां पर लाकर खड़ा कर दूं, और वो तेरे से अगर सवाल पूछे कि भैया दीदी क्या कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, सपने बहुत देखे हैं पर उनके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, उनको क्या जवाब देगा तू, उनको क्या जवाब देगा तू? और याद कर आज से 5 से 6 साल बाद जब तू 25-26 साल का होगा, तो उस समय पर तुझे कौन सी लाइफ चाहिए? स्ट्रगलिंग लाइफ चाहिए,
मॉल में जा रहे हैं, हर चीज का रेट टैग देखना पड़ रहा है यार। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, या फिर उस समय पर अपने पेरेंट्स के लिए हर एक चीज ला के देनी है। एक लाइन बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर उस सूरज की तरह चमकना है ना तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। सक्सेसफुल सबको होना होता है आज के समय पर, नंबर सबको चाहिए बट मेहनत नहीं करनी। तो सूरज की तरह अगर चमकना है तो याद रखना सूरज की तरह जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाकर उस सूर्य की तरह तुम चमक पाओगे। इस बात को हमेशा याद रखना। और मैं तुम सभी को, हाँ तुम सभी को, एक 7 दिन का एक चैलेंज दे रहा हूं। चैलेंज क्या है, इन अगले 7 दिनों के अंदर हमें ना एक बीस्ट बनना पड़ेगा। बीस्ट क्या होता है भैया, अंदर के जानवर को बाहर निकालना पड़ेगा। भैया कौन सा जानवर है, ये वो जानवर है जो कि अभी तक भूखा बैठा हुआ था। किस चीज के लिए, पढ़ाई के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। याद रखना अगले 7 दिन हम एक ऐसा चैलेंज लेने वाले हैं जो कि हिस्ट्री के अंदर कभी किसी ने नहीं लिया होगा। इस चैलेंज के अंदर हम अपने अंदर का वो जो भूखा जानवर है, जो कि पढ़ना चाहता है, खुद को प्रूव करना चाहता है, उसको हम बाहर निकालेंगे यार। अब ऐसे पढ़ना है ना कि लाइफ में आज तक ना कभी ऐसा पढ़े हो ना कभी आगे पढ़ते हो। इतने घंटे एक बार में लगा देने हैं। अब मैं कोई घंटे डिफाइन नहीं कर रहा, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितने पढ़ सकते हो। फोन फेंक दो 7 दिन के लिए, फोन हटा दो 7 दिन के लिए, मुझे नहीं। लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो लैपटॉप रखो, नहीं पढ़ रहे तो हटा दो। 7 दिन, अगले 7 दिन हम सभी के सभी एक ऐसा चैलेंज लेने वाले हैं जिसके अंदर हमारे अपने अंदर का जो जानवर है ना, जो पढ़ना चाहता है, अपना नाम प्रूव करना चाहता है, उसको बाहर निकालेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। और इस 7 दिन का चैलेंज मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोल रहा 7 दिन पढ़ के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, नहीं वो नहीं हो सकता। बट इन 7 दिन के चैलेंज से ना वो जो तुम्हारा अंदर का कॉन्फिडेंस था ना, कि तुम्हारे अंदर से चला गया था कि हम भी कुछ कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। एक बार तुम 7 दिन पढ़ के देखो ना, तुम्हें पता चलेगा वो जो तुमने सपने देखे हैं ना, वो अभी भी अचीवेबल है, अभी भी तुम उसको अचीव कर सकते हो। तुम में अभी भी इतनी पावर है, क्षमता है, बस उस क्षमता को तुम भूल चुके हो, उस पावर्स को तुम भूल चुके हो। अगले 7 दिन हम इस चैलेंज को फॉलो करेंगे। कमेंट में जरूर लिखना जो जो इस चैलेंज को फॉलो करेगा कि भैया आई विल फॉलो दिस चैलेंज, और वही लिखना जो कि रियली फॉलो करना चाहते हैं, जो कि अगले 7 दिन में आग लगाना चाहते हैं। पहली बोल रहा, अगले 7 दिन फिर पढ़ना है तो भाई ऐसे पढ़ना है ना कि दुनिया देखती रह जाए भाई क्या कर रहा है ये, खाने का सोने का सब भूल जाना अगले 7 दिन तक। और जब 7 दिन हो जाए ना तो आना इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में, लिखना भैया मैंने कराया चैलेंज, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना भैया मैंने कराया चैलेंज पूरा। तब आएगा मजा। आज लेंगे तो लाखों बच्चे इस चैलेंज को, बट पूरा केवल 1000-2000 बच्चे कर पाएंगे, और मुझे उन्हीं 1000-2000 बच्चों का इंतजार है, क्योंकि वही बच्चे नाम रोशन करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं भाई 7 दिन के चैलेंज को फॉलो, और दिखाते अपने अंदर की आग को, भैया वो जो सपने देखे हैं ना वो अब भी पूरा कर सकते हैं। और याद रखना टाइम है तुम्हारे पास, समय है तुम्हारे पास। कभी भी ऐसा मत सोचना कि भैया अब तो समय नहीं है, मैं हार चुका हूं, नहीं, तुम्हारे पास समय है, तुम अभी भी खुद को प्रूव कर सकते हो। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है तुषार।